की जो उमेश शर्मा जी हैं सभी के साझले ही नेता हैं और सभी के सुख दुख में हमेशा तत्पर रहते हैं, सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। क्या बात, मतों से विजयी होंगे? अगर भाई साहब को लोकसभा की टिकट मिलेगी तो काफी मतों से विजयी होंगे। दुबई है, यूएई है, गल्फ कंट्री है, विदेशों में भी आज भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर बनने लग रहे हैं। हर आदमी के मुँह से निकल रहा है कि अब की बार 125 से भी पार। मगर गिलौर साहब ब्राह्मणा में मान सम्मान उस आदमी को दो जो पूरे हरियाणा को, सभी छत्तीस बिरादरी को गेल लेकर चले। भाई बहुत तगड़ा स्वागत जो है आज, वो बहुत तगड़ा स्वागत जो है वो उमेश शर्मा जी का हो रहा है। बहुत बड़ी माला, इतनी बड़ी माला तो शायद कोई स्टेट लेवल का कार्यक्रम हो जब इस्तेमाल होती है, लेकिन आज जो है वो तमाम यहाँ पे 36 बिरादरी के लोग मिलके आए हैं और उमेश शर्मा जी का स्वागत कर रहे हैं। उमेश जी क्यों हो रहा है ये स्वागत इतना जबरदस्त? आज तो कोई ऐसा तारीख दिन भी नहीं है। देखो मकर संक्रांति का इतना बड़ा त्योहार है सूर्य नारायण भगवान का, और सारे के सारे मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई, मेरे चाचा ताऊ और हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे सहयोगी यहाँ जो है सभी आए हैं। और मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश का मंत्री बनाया है, प्रदेश सचिव बनाया है, और इसके लिए आज मेरे को सारे मेरे आदरणीय मेरे को बधाई देने के लिए, शुभकामना देने के लिए और मकर संक्रांति की शुभकामना देने के लिए, फिर लेने के लिए भी। मतलब आपने तो बिना कहे रैली कर दिया। सर्व ब्राह्मण कल्याण सभा ने ये कार्यक्रम रखा था और आज जो है वहाँ आदरणीय विप्लव देव जी, प्रभारी जी आए थे, भारत विकसित यात्रा मोई उड्डा में थी, तो सारे के सारे वहां भी गए और उसके बाद वो सारा ने इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि ब्राह्मण कल्याण सभा की तरफ से उमेश शर्मा जी हम आपको बधाई देने आ रहे हैं। और जैसे जैसे पता लग रहा है अपनी 36 बरादरी के सभी साथी जो हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं, शुभचिंतक हैं, वो भी पधार रहे हैं और भी आ रहे हैं और आए हुए। एक मिनट रुक जाओ, क्या नाम है जी आपका? अनिल वत्स। कहाँ से पहुंचे आप? मैं लुधियाना से। लुधियाना से बधाई देने आए हो? सोनीपत लोकसभा से इनको सचिव बनाने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी को भी धन्यवाद देते हैं, मनोहर लाल जी को भी, क्योंकि जो उमेश शर्मा जी हैं सभी के साझले ही नेता हैं। अच्छा। और सभी के सुख दुख में हमेशा तत्पर रहते हैं, सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। क्या बात है, क्या नाम है जी आपका? मेरा रामकृष्ण शर्मा। कहाँ से बोलते हैं? मैं रबड़ा से हूँ, गुवांडी है। ये हमारे साथी हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं, 36 जात के ये नेता हैं, हर एक दुख सुख में शामिल होते हैं और बढ़िया काम करेंगे। ये सरकार ने इनको बढ़िया पद दिया है, हम इनके साथ रहेंगे, जब भी हमारी जरूरत होगी चाहे कहीं भी हो हम इनके साथ रहेंगे, 36 बिरादरी। क्या बात है, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम राजेंद्र है जी, मिर्जापुर खेड़ी से जी। अच्छा, हाँ जी। बड़ी दूर दूर तो सारे लोग पहुंच गए, इतने के 60 गामा के, मतलब 60 गामा के आदमी अड़ा पहुंच गए, के चाहो उमेश शर्मा था, क्या उम्मीद है? हमें इससे बहुत उम्मीद है जी, हमारे हल्के के अच्छे काम करेगा, बहुत बड़ी आदमी है जी, हम कभी से नाम सुनते रहे, बहुत बड़ी आदमी है जी। क्या उम्मीद है? पूरी उम्मीद है जी हमें, सबसे पहले तो मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का, हमारे अध्यक्ष जी नायब सैनी जी और मनोहर लाल खट्टर जी हमारे सीएम, और पार्टी की तरफ से हम जो पद इनको दिया गया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और इसलिए हम इनका स्वागत करने आए थे, और पार्टी की तरफ से भी, और सर्वब्राह्मण कल्याण समिति का सचिव होने के नाते हमने आज सभा बुला के इनके फार्म हाउस पे आके कि वहीं से बधाई दे के आएंगे, इसलिए आए थे। क्या था? आपका क्या नाम है? टिकट मिलेगी तो काफी मतों से विजयी होंगे। अगर भाई साहब को लोकसभा की टिकट मिलेगी तो काफी मतों से विजयी होंगे, क्योंकि ये 36 जाति के प्रिय नेता हैं।
लोकसभा चाहिए जी, विधानसभा चाहिए। पार्टी जो जिम्मेवारी देगी उसको पूरी करेंगे। अच्छा, क्या बात है, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम है जी चुनीलाल। कहाँ से पहुँचे आप? मैं कलानौर से आया हूँ जी सर। कलानौर से बड़े दूर था आप? ये मेरे राजनीतिक गुरु हैं जी, 20 साल पुराना मेरा नाता है इनसे, और ये 36 बिरादरी के नेता हैं जी। 36 बिरादरी हमारी तरफ भी इनको बहुत, गांव के लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से मतलब जी, और ऐसे आदमी को इस हरियाणा मतलब जो जो अब इनको स्टेट लेवल की जिम्मेदारी एक दी है, सचिव बनाया है इनको, तो उसका असर रहेगा हरियाणा में? हाँ बिल्कुल रहेगा जी, बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। और ये बड़े भाई साहब जी, चाहे तो सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर बनियो और चाहे हरियाणा में बनियो, पक्के बनाएंगे, हमारी आत्मा का वादे है मिनिस्टर सा होना। बिल्कुल जी, हमारी दिल की आत्मा विधायक सांसद बनी हो ना जी, कैबिनेट मिनिस्टर जी। इससे कम मंजूर। क्या नाम है जी? मेरा नाम जगदीश है जी। कौन सा गांव? मेरा गांव पुठी है जी। अच्छा, के चाहो हो मैं शर्मा दे, इतनी ताकत क्या दौड़ है जी? पूरे समाज की, 36 बिरादरी की, जैसे पहले सेवा करते थे ऐसे करते रहे, इनके ऊपर उम्मीद है ज्यादा। क्यों, ये आज से नहीं संघर्ष कर रहे, काफी साल से कर रहे हैं, और ये कभी भी एक जाति की नहीं करते, 36 बिरादरी की लिए संघर्ष करते हैं। क्या बात है उमेश जी, बड़ी उम्मीदें हैं। कोई आपको सांसद बनाना चाहता है, कोई विधायक बनाना चाहता है, और कोई तो नूचा वही नेरिया अलीगढ़ का और भी आ जाओ, स्टेट की भी सेवा करनी है। देखिए भारतीय, हाँ भारतीय, एक मिनट इनकी सुन लिया पहला। हाँ जी आप बताओ पहला। किशन शर्मा मेरा नाम है, ओलाना मेरा गांव है, राज्य प्रधान रहा हूँ कर्मचारियों का, पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल का, हजारों साथी मेरे साथ रहे हैं, और मैं उमेश शर्मा पर ये मतलब विश्वास करता हूँ कि हमेशा जो ये आज लोग आ रहे हैं ये नए नहीं जुड़े, हमेशा उमेश शर्मा ने मतलब दुख में सुख में 24 घंटे इलाका इलाका मैंने पूरा हरियाणा में जाकर इन काम कराया है। इसलिए हमें उमेश शर्मा जी को चाहते हैं, आज पूरे हरियाणा में पंडित भगत दयाल वागरदायक, आपने नाम नाम सुना होगा, हमने तो देखा भी था, उसके बाद समाज का कहो बिरादरी का कहो, हमारे पास कोई नेता नहीं है। मैंने मनीष गिरोर को भी कहा था, यहाँ गुआना था कुछ टाइम पहले, मगर गिरोर साहब ब्राह्मणा में मान सम्मान उस आदमी को दो जो पूरे हरियाणा को, सभी 36 बिरादरी को गेल लेकर चले, और अपनी बिरादरी को भी गेल लेकर चले। उमेश शर्मा पर हमने पूरा विश्वास है, सचिव बनाया, पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात, हम ये चाहते हैं अगर राजनीति में अगर इनका कदम हो जाए तो 36 बिरादरी जहां पसीना पड़ेगा उड़े खून की बाजी ला देंगे, पार्टी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। क्या बात है, आपने तो कांग्रेस का भी साथ दिया था ना? हाँ, पहले पहले हम कांग्रेस में थे, मैं नहीं, सब को ये जितने एमपी बन रहे हैं एमएलए बने हैं ज्यादातर कांग्रेस में थे। हाँ, नौकर या बाजी मारी, नो बात बाजी मारी, अब जरा उमेश शर्मा है उड़ा हमसा, मतलब इनकी गला है। हाँ, इनकी गला है, मतलब जय हमारी बीजेपी मास्टर है, हमारी सबसे ज्यादा क्या लको है, उमेश शर्मा मास्टर है। क्या बात है भाई, ये तो बहुत ज्यादा हो गया जी, ये सारी अपनी ट्रोली ने लेके है, पहले आपकी कांग्रेस का सेवा करी ई बुरे ना। देखिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ऐसा भाई साहब, तो गुहाने में उमेश शर्मा ने निकली थी आज से 10 साल पहले, उड़े हमने ऐलान कर दिया था, मतलब हरियाणा मुख्यमंत्री के लिए भी बोला था, राष्ट्रीय नेता के लिए भी बोला था, उमेश शर्मा ने पूरा हरियाणा के लोग इकट्ठे करे थे, उसमें हमने ऐलान कर दिया था किस पार्टी में कोई न्याय नहीं भानी, या तो सुनाई कर लो, नहीं आने वाला टाइम में खड़ा में चली जाएगी, मारी कोई सुनाई नहीं करी अथवा खड़ा में चली गई कांग्रेस पार्टी। रही बात बीजेपी की, या तो समाज के बीच में बोल था, मैं को घर में नहीं बोल था, ये बीजेपी को कहना चाहता हूँ, जो ये 36 बिरादरी के लोग हैं, खासकर उमेश नेता इस इलाके का है, इनको आगे बढ़ाएंगे आधा पार्टी की जय जयकार होगी, अगर जय जयकार होगी, जय जयकार, जय जयकार। ये तो बोलने दे नेताजी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बड़े कड़े समर्थक हैं आपके, नो को आप तंबुआ में आपकी बात कह देंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश पूरे संसार में एक चमकता हुआ सूर्य की तरह है हमारा देश, और देश में विकास के कार्य और ईमानदारी के साथ विकास के कार्य हो रहे हैं, और हरियाणा प्रदेश में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में इतना काम हुआ है, इतना काम हुआ है, और एक जो अंत्योदय का सपना है वो पूरा होने जा रहा है, कि जो आखिरी लाइन में भी जो
अगर कोई भी जरूरतमंद है तो उसके लिए श्री मनोहर लाल जी की सरकार सदैव तत्पर रहती है। और इस सरकार में बिना खर्ची पर्ची के, चाहे नौकरियों की बात है, चाहे विकास की बात है, चाहे हरियाणा में और देश में कितनी सड़कें रोड बने हैं उसकी बात है, और चाहे किसी भी विषय में आप ले लो कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर। अच्छा, कांग्रेसी नु कहते आप लोग इतना राम राम कर रहे हो, हमारे भी दिल में राम है, हम भी असली सनातनी है, आप लोग तो ठेकेदारी कर रहे हो। देखो, जहां तक ये सवाल है, भगवान श्री राम हमारे देश के आराध्य देव हैं, और हमारे जो देवता हैं वो हमारे को धर्म सिखाते हैं, हमारे को भाईचारा सिखाते हैं, सबको साथ लेकर के चलने की शिक्षा देते हैं। और आत्मा सो परमात्मा, देखो कितनी बड़ी बात है कि भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या फिर 22 तारीख को इतना जोरदार कार्यक्रम पूरे देश में उमंग है, और पूरे देश में जो आज नारे लग रहे हैं जय श्री राम जय श्री राम। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, राहुल गांधी कभी कुछ कह देते हैं कभी कुछ कह देते हैं, ना कोई उन पर प्रधान बन पा रहा ना कोई नेतृत्व चल पा रहा। तो आज तो जो है पूरे संसार में भारत का नाम इतना नरेंद्र मोदी जी ने ऊंचा किया है कि जहां कोई रामचंद्र जी का नाम लेने वाले नहीं दे, दुबई है, यूएई है, गल्फ कंट्री है, विदेशों में भी आज भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर बनने लग रहे हैं, और भारतीय परंपरा को सब जो है अपने हमारे अपने माथे पे लगाए हुए हैं सब। तो मतलब आप तो फिर इस उसमें होगे 2024 में वो मोदी जी को फिर से बनाओगे? 2024 में पूरे डंके की चोट पे पूरे भारत की जनता अपने आप नारा दिया है, कि बल्कि ये पूछते हुए किसने दिया है नारा, हर आदमी के मुंह से निकल रहा है कि अब की बार 425 से भी पार। अच्छा, मतलब पिछला भी रिकॉर्ड बदल दिया। हाँ हाँ, और तीसरी बार हरियाणा में श्री मनोहर लाल जी संत रूपी मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने अपने निवास का भी नाम संत कबीर कुटीर रखा है। और देखो, ये पार्टी ऐसी है कि जो पिछली पंक्ति में खड़ा है उसका भी पता नहीं, उसको सुबह ला करके कोई जिम्मेवारी दे दें तो, जैसे आपने देखा कि राजस्थान के अंदर एक बिल्कुल साधारण आदमी को प्रदेश का पार्टी में लंबे समय से वो काम कर रहे थे और समाज सेवा में लगे हुए थे, उनको भी बतौर मुख्यमंत्री सेवा करने का मौका दिया है। क्या बात है, तो ये इतने आपके समर्थक जुड़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगा भाई, सारे भाई मिलकर के, और आने वाले नजदीक चुनाव आने वाले हैं, नजदीक समय में सब मिलकर के हम दिन रात एक करके भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और देश को मजबूत बनाएंगे। धन्यवाद करेगा। हाँ ठीक है जी, हाँ सत्यनारायण जी बोलो जी, नेता जी अच्छा लग रहा है। आप आगे चढ़ जाओ, आज पीछे आ जाओ। हाँ जी पप्पू भाई, ठीक है ना? ठेकेदार